अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज से हम अपने एक नए ब्रांड न्यू सेशन का आगाज करने जा रहे हैं। तो उसमें भी तमाम हमारे पुराने स्टूडेंट हों, तमाम हमारे जितने भी न्यू ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स हों, इन सब स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करेंगे आज के लेक्चर और इसके अलावा सेशन के अंदर। और अपने इस सेशन का आगाज हम करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत रहमान और रहीम है। और इसके साथ साथ मैं इस बारे में नहीं इस जो है दुआगो भी हूं, ठीक है, कि अल्लाह ताला हमें यानी मुझे, मेरी पूरी टीम को और तमाम टीचर्स को भी हिम्मत और ताकत दे कि हम आपका पूरा सेशन कंप्लीट करें, आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकें, फोकस्ड वे में आप लोगों को पढ़ा सकें, ठीक है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिम्मत और ताकत दे कि आप लोग जो है इस पूरे सेशन में हमसे अच्छी सेहत के साथ, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हुए हर एक चीज़ को, फोकस में रखते हुए हर एक चीज़ को पढ़ सकें, ठीक है, और हमारा सेशन बहुत अच्छा जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो न्यू सेशन हम आगाज़ उसका कर रहे हैं, कल आप लोगों के लिए एक ओरिएंटेशन भी थी, हमने उसमें भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी, हमने उसमें भी बहुत से पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इंट्रोडक्शन मैंने लिया था आप लोगों को, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के भी इंट्रोडक्शन हुए थे, ठीक है। सो अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एकेडेमिक कैलेंडर आप लोगों के लिए पहले बना दिया गया है, यानी समहा हम कहते हैं कि एक प्लान आप लोगों के लिए डेवलप कर दिया गया है जिस पर हमने अमल करना है और अमल करते हुए हम उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी। अमल करते हुए हम उस पर आगे मूव करेंगे और आप लोगों को समहाव मैं मजीद गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा, यानी कि जो आप लोगों को बता दिया गया कि भाई हमारी स्टार्टिंग डेट सेशन की क्या है और उसके बाद आपको बता दिया गया कि भाई हमारे सेशन की एंडिंग, यानी सेशन का मतलब क्या होता है कि भाई फर्स्ट सेशन यानी कि जिसमें हम अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, उस सेशन की जहां तक बात है तो उसकी एंडिंग डेट यानी कि वो सेशन कब कंप्लीट होगा, किस मंथ में होगा, वो ऑलमोस्ट जो है दिसंबर के स्टार्ट तक हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा टेस्ट एंड रिविजन सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। टेस्ट एंड रिवीजन सेशन जो है, ठीक है, उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो उस तक हमने अपने सिलेबस को कन्फाइन करना है, उस तक हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है, और उस सिलेबस यानी उस तरह से यानी उस अपने जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से प्लान करना है कि हम विद इन ड्यूरेशन अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी जहां तक बात है इस सेशन की, तो इस सेशन मैंने आप लोगों को जो एकेडमिक कैलेंडर प्रोवाइड किया है, एक तो ये कि आप लोगों को स्टार्टिंग और एंडिंग डेट बता दी, उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया टेस्ट शेड्यूल, ठीक है, यानी कि आप लोगों के मंथली टेस्ट कब होंगे, किस टाइप के होंगे और किस तरीके से है, ठीक है, ये सारा के सारा हमने उस पर मैंशन कर दिया है। सिलेबस जहां तक है तो वो आप देखेंगे कि जितना हमने उस मंथ में पढ़ा होगा और कोशिश हमारी होगी कि मैक्सिमम हम जो है जल्दी जल्दी हम कोर्स कवर कर सकें, ठीक है, सो वो हम जो है उसका टेस्ट भी मंथली तौर पर लिया करेंगे। और एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए को करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज जो हैं, ठीक है, वो भी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले भी हम बहुत सी एक्टिविटीज करते रहे लेकिन आप प्री प्लान एक्टिविटीज होंगी, आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि हमने इस डे पे ये खास किस्म की एक्टिविटी लाजमी करनी है, सो वो एक्टिविटीज उसी सीक्वेंस के साथ चलती रहेंगी, वो एक्टिविटीज आप लोग इंजॉय करेंगे। सो एक कंप्लीट प्लान आपको प्रोवाइड कर दिया गया, जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, यानी जिन लोगों ने बल्कि डाउनलोड कर लिया उसको, उनको तो पता होगा, जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया कि एकेडमिक शेड्यूल, ठीक है, सो आप लोग करेंगे क्या, मेन वॉल पे जाएंगे, उसमें लिखा होगा ना लेफ्ट साइड पे, आप बल्कि राइट साइड पे आप लोगों के ना कुछ बैनर्स नजर आएंगे, लास्ट वन होगा एकेडमिक कैलेंडर, उसे क्लिक करें तो आप लोग अपने एकेडमिक पूरे शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ फॉर्म, ठीक है सर। स्कीम बता दें, फिलहाल उसी तरफ ही हम आने लगे थे, सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट सर, कोर्स ब्रेकअप भी देना बना दें फरीद, बिल्कुल, पहले हमने एकेडमिक कैलेंडर बनाया, अब आपके लिए कोर्स ब्रेकअप भी बना देंगे, इसमें क्या आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से हम अपने इस जो है सेशन को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम जो चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो है केमिस्ट्री और ये हमारे पास है पार्ट टू क्लास, काफी दिनों बाद पार्ट टू क्लास भाई, क्योंकि हमने देखा था जैसे ही आपके पेपर्स कैंसिल हुए थे, सो उसके बाद ये पार्ट टू की क्लास जो थी, ठीक है, ये क्या हो गई थी, ये डिसमिस हो गई थी और इसके बाद अब दोबारा से स्टार्ट हुई है। आई विल वेरी लाइक टू पार्टिसिपेट इन दैट, बुशरा जरूर कीजिएगा, आपने पहले भी लिया था, पार्टिसिपेशन आपने की थी। स्कीम बता दें, वही बताने लगे हैं फिजान, अभी उसी समय तारीख बात करेंगे। इकराम कह रहे हैं सर प्लीज़ केपी के स्टूडेंट्स के लिए ऑनली, क्या था अभी ऑनली, क्या है ऑनली केमिस्ट्री सेकेंड ईयर स्टार्ट करें और सारी चेंज है, ठीक है भाई।
इकराम, जहां तक केपी के स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, सो केपी के स्टूडेंट्स के लिए हम सोच लेते हैं, जरा देख लेते हैं कि अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ इतनी है सो हम आपके लिए सेपरेट एक लॉन्च कर दें, एक कोर्स लॉन्च कर दें जो कि जो है केमिस्ट्री का हो सकता है, केमिस्ट्री के लिए हम सेपरेट क्लासेस रख सकते हैं, जरूर करेंगे उस सवाल से बात, ठीक है जी। अच्छा जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो हम जहां तक पहले तो पेपर की बात कर लेते हैं, हमें पेपर बताना चाहिए कि पेपर जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उससे मतलब हमें जो है थोड़ी बहुत जांच कारी ना ये वर्ड है, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि भाई पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पेपर के मुताबिक पहले हम बात करेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द स्टडी स्कीम की हम बात करेंगे, कैसे हमने जो है स्टडी करने, कैसे हम इस थ्रू आउट द सेशन लर्न करेंगे, ठीक हो गया। देखो पेपर की जहां तक बात है सो पेपर जो है आप जानते भी हैं पार्ट वन के आपने देना था लेकिन हुए नहीं, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसका, ठीक हो गया, और एक इसका है सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक हो गया, एक हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है और एक हमारे पास क्या है सब्जेक्टिव पार्ट होगा। सो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट पर मुश्तमिल हमारा टोटल एक पेपर होता है जिसके मतलब हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट जहां तक है आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या कुछ शामिल होता है, एमसीक्यूज है, ठीक है, और इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सर पेपर पैटर्न आप पंजाब का करवाएंगे या फेडरल का, तो मैं आपको बता दूं कि बुशरा हमने जो टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है वो पंजाब टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है। सो मैं पंजाब का ही आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूं किस तरीके से आप लोगों का पेपर आता है, क्या सीक्वेंस होता है, कितने कितने मार्क्स की डिविजन होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की जहां तक बात है हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव फर्दर डिवाइड होता है इंटू एमसीक्यूज, ठीक है, और इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। ठीक हो गया, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उन पर ये हमारे पास हम कहते हैं कि मुश्तमिल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन की हम इस पर बात कर रहे हैं, और जहां तक एमसीक्यूज की बात है तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हमारे पास होंगे 17 और टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमें करना है वो 22 होंगे, ठीक है। 22 शॉर्ट क्वेश्चंस और 17 हमारे पास हैं क्या होंगे भाई, ये हमें एमसीक्यूज करना होंगे। और आप जानते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर फर्दर डिवीजन होती है वो ए बी और यानी के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की फॉर्म के अंदर होता है। दूसरे और तीसरे से आपको करने होते हैं 8-8 और इस तरीके से लास्ट वन जो हमारे पास फोर्थ वन होता है उसमें से 6 आपको जो है नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, फर्दर डिवीजन इसके अंदर होती है। ठीक हो गया, इस तरीके से जहां तक बात है सब्जेक्टिव पोर्शन की तो इसमें से आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं, इसमें से आपने 3 करने होते हैं, आपको 3 करना होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5, ठीक है, 5 होते हैं। ठीक हो गया, सो ये हमारे पास है समहाउ सीक्वेंस जिसके तहत हमने जो है देखना होता है हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, किस तरीके से हमने करना है। और जहां तक पेपर की बात है तो हम कहते हैं कि टोटल जिसके जो मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं, केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स हमारे पास 100 होंगे और 100 में से हम कहते हैं कि भी यानी टोटल पार्ट वन के 100 होते हैं, पार्ट टू के भी 100 होते हैं, ठीक है, और 100 में से 85 का बनता है आप लोगों का थ्योरेटिकल जो है पेपर, और रिमेनिंग जो 15 जो क्वेश्चन जो रिमेनिंग 15 मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। क्या होते हैं भी, वो प्रैक्टिकल के होते हैं। सर क्या हम इस सेशन में टॉपिक वाइज ईकेट के लिए एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल राशिद, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो हमारे पास हम समहाउ कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं उसे भी जो हम देखें डेबिट कैलेंडर आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें जो टेस्ट वाला टेबल है उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपको हर एक लेक्चर में एमसीक्यू टेस्ट भी करना है, ठीक है। सो इट मींस के आपको हर एक टॉपिक के साथ 5 एमसीक्यूज जो है, ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा। तो इट मींस आपकी साथ साथ इस हवाले से भी प्रिपरेशन चलती रहेगी, आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे एमसीक्यूज की। सर केपी के केमिस्ट्री पंजाब वालों से सारी चेंज है, सर हमारे लिए कोई भी
कोई चैनल नहीं है सारे पंजाब और टेक्स सिंध के लिए, प्लीज़ सर हमारे लिए भी स्टार्ट करें, स्पेशली एफएससी पार्ट टू केमिस्ट्री। सो इकराम जल्दी से इसको देख लेते हैं, मैं इसको एक दफ़ा स्टडी कर लूँगा, अगर इसमें जो है बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डिफरेंट होती है, सो उस पर हम कुछ ना कुछ जरूर जो है आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है जी। सो इस तरीके से हम डिविजन करते हैं पेपर के अंदर मार्क्स की और क्वेश्चन की, ठीक है। अब हम चलते हैं कि टूवर्ड्स स्कीम ऑफ स्टडी, किस तरीके से हमने स्टडी करना है, किस तरीके से हमने थ्रू आउट द सेशन चलना है, पढ़ना है, ठीक है, उससे मतलब करते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि कैसे जो है हमने अपने आप को तैयार करना है फॉर द फाइनल पेपर्स, ठीक है, वो जरूर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो जब आप लोग क्लास लेते हो सबसे पहला काम जो आपने करना है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो भी हर दिन आपके लेक्चर्स होंगे वो लाजमी सुनेंगे। सर तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भी, हमजा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लाइव लेक्चर्स लेने, ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप लाइव लेक्चर्स लेंगे, ठीक है सर। पार्ट टू की केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स कितने आते हैं? सो फुल आउट ऑफ फुल भी होते हैं, बस 85 out of 85 भी होते हैं स्टूडेंट्स के आते हैं, ठीक है। सो लाइव लेक्चर्स आप लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया, जिस चैप्टर के हवाले से भी आपको टॉपिक पढ़ाया गया, एक उसका स्केच आपके जहन में डेवलप हो जाएगा, ठीक है सर। आपके पीछे बाकी टीचर्स की आवाजें आ रही हैं तो मैं बताऊं आपको मरियम के मेरी लेफ्ट और राइट साइड पे दो और स्टूडियोज हैं जहां पर हम कहते हैं कि भाई क्लासेस रेगुलरली मतलब कि इक्विवेलेंटली हो रही हैं। सर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? इरफान, मैं आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो तो मुझे जानते ही हैं। सो फरहान यूसुफ, और इसके बाद मेरी जो मेरी जो क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो एमएस केमिस्ट्री इक्विवेलेंट टू एमफिल होता है, एमएस केमिस्ट्री फ्रॉम लम्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये मेरी जो है एजुकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है, ठीक हो गया। सो सबसे पहले आपने करना है क्या है, लाइव लेक्चर्स लेने, और लाइव लेक्चर से क्या होगा कि आप लोगों के जहन में एक स्केच आ जाएगा, ठीक है, एक हम कहते हैं खाका डेवलप हो जाएगा किसी एक टॉपिक को लेके। जब एक दफा जो है जब आप एक दफा स्केच डेवलप कर लेंगे किसी एक जो है टॉपिक को लेके, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी करनी है। देखो जब एक दफा आपने लेक्चर्स ले लिए तो लेक्चर्स के बाद आप अपने लिए कुछ टाइम अपना रखेंगे स्पेयर पूरे दिन का, ठीक है, जिसमें कि आपने सिर्फ खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, और सेल्फ स्टडी के थ्रू आप लोग क्या करेंगे, आप अपने आप को ग्रूम करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को और निखारेंगे, ठीक है। किस तरीके से भी सेल्फ स्टडी आपने करनी है, मैंने बता दिया सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो आपने जितने आर्ट्स आपने लाइव लेक्चर लिए हैं, ठीक है, वो आपकी सेल्फ स्टडी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपको बाद में लेक्चर्स लेने के बाद आप एक घंटा अपना जो है अपने आपको रेस्ट दें, खाना खाएं, रेस्ट करें, उसके बाद फिर आप अपने लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक टाइम डिफाइन करेंगे हर एक दिन का कि जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आपने खुद से पढ़ना है, जिसमें आप खुद से स्टडी करेंगे। सर मैंने सुना था कि पार्ट टू की केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है हमजा, मैं ये कहूंगा आपसे कि पार्ट वन की केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो सकती है लेकिन पार्ट टू की केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। सर लेक्चर टाइम आप मैसेज हाइड कर दें, बिल्कुल मैसेज हाइड कर दो, लेकिन मैं पता है क्या इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सो उसमें आप लोगों के जरूर क्वेश्चन साथ लेते आऊंगा। जब हम प्रॉपर क्लासेस जो है मतलब कल से जो स्टार्ट कर लेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उस वक्त फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस इस तरह से ड्यूरिंग द लेक्चर नहीं लूंगा, सिर्फ फोकस करेंगे लेक्चर पे, उसके बाद जब आपको मैं कहूंगा क्वेश्चन करने का तब आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपके क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिलेगा, ठीक है जी। सर आप फेडरल बुक की बुक्स भी पढ़ा दें प्लीज बुशरा, अभी तो हम फिलहाल पंजाब बुक टेक्स्ट बुक लेके चल रहे हैं, लेकिन जरूर इंशाल्लाह हम जो है उससे मुतालिक भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब जहां तक सेल्फ स्टडी की बात है, इसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक दफा आपने लाइव लेक्चर ले लिया तो उसमें आपको पता चल गया कि भाई किसी एक टॉपिक को लेके उसके अंदर क्या कुछ है, क्या मेन कॉन्सेप्ट है, अब उस कॉन्सेप्ट को आपने रिकॉल करना है, रिफ्रेश करना है, ठीक है, वो कैसे करेंगे, बुक रीडिंग, ठीक है, आपने बुक रीडिंग जरूर करनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ाएंगे सो टॉपिक पढ़ने के जो भी टॉपिक आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, टॉपिक अंडरस्टैंड करने के बाद आपकी बुक रीडिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बुक रीडिंग से क्या होता है, जो चीज आपने पढ़ी होती है वो माइंड में रिफ्रेश हो जाती है, फिर वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन रहती है, बरकरार रहती है, काम रहती है आपकी जो है जहन के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जब आपने बुक रीडिंग कर ली उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, बुक रीडिंग करने के बाद आप उसको सेल्फ राइट करेंगे, किस पर, नोटबुक पर, ठीक है जी, राइट करेंगे इसको, राइट,
ठीक हो गया। यानी कि आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो बुक रीडिंग करनी है, वो रीडिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट करेंगे वन थिंग आस भाई, बिल्कुल जरूर क्षमा आप साथ में कर सकते हैं। और जहां तक उर्दू इस्लामियात पाक स्टडी की बात है तो वो हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। यानी कि आपको देखा, आपने देखा होगा अकेडेमिक कैलेंडर के अंदर उनके जो टेस्ट हैं वो सेप्टेम्बर से स्टार्ट होने, तो बिफोर सेप्टेम्बर जो है हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल लाहौर से दे रहा हूँ सर, पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं तो महक न्यूमेरिकल सिर्फ जो है पार्ट वन का होते हैं, पार्ट टू के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, सो आपने राइट करना है, ठीक है, जो कुछ आपने याद किया उसको खुद से अपने वर्ड्स में आप राइट करेंगे अपने नोटबुक पे, ठीक है, वो मजीद और जो है हम कहते हैं कि रिफ्रेश हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपने जो सीखा था, ठीक है। बुक रीडिंग की राइट कर लिया, राइट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, असाइनमेंट ठीक है, जो आपको असाइनमेंट दी जाएंगे, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, देखो सेल्फ राइट देखकर भाई क्या हुआ ही ना, क्या हुआ जल्दी से बताएं क्या हुआ, आपने करना क्या है सेल्फ राइट करने को भाई। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि सर हम टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे या नोट्स वगैरह, मैं आपको हमेशा थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा आगे चलने दो ना फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट का मतलब क्या है, किस तरीके से आपको डिलीवर की जाएंगे। देखो हम वन बाय वन टॉपिक के साथ आगे मूव करेंगे, तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कुछ चीजें मैं आप लोगों को क्वेश्चन असाइन करूंगा कि आपने इन क्वेश्चंस को याद करके अपने वर्ड्स में लिख के मुझे भेजना है, ये असाइनमेंट होती है, ठीक है। यानी कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के बाद आपसे कहूंगा कि वो क्वेश्चंस आप राइट करके मुझे सेंड करें, यह असाइनमेंट कहलाती है। तो आपने एक दफा लेक्चर ले लिया, लेक्चर लेने के बाद आपने सेल्फ स्टडी की, सेल्फ स्टडी में आपने बुक रीडिंग कर ली, फिर राइट कर लिया। अब जब आपने ये तमाम चीजें कर ली, फिर आप वो तमाम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे टूवर्ड्स असाइनमेंट, जो टीचर आपको असाइनमेंट देगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जब आपने ये काम भी कर लिया तो उसके बाद आपके पास, आप जानते हैं कि भी आपको कैंपस में एक और चीज की एक्सेस दी जा रही है और वो है एमसीक्यूज, ठीक है। आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि जो आपने गैदर किया है, जो आपने समहाउ कहते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट ग्रैब किया है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकें, उसको देख सकें कि आपने जो कॉन्सेप्ट जो है जहन में रखा है वो कितना एप्लीकेबल है, आपने उससे कुछ सीखा है या नहीं सीखा, ठीक है। और एक और चीज़ आप जहन में रखिएगा, जब भी आप कोई एक लेक्चर लें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर हो, आपके पास आपकी उसकी टेक्स्ट बुक भी हो, आपके पास आपकी नोटबुक भी हो और आपके पास पेन हो, साथ साथ आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। और इसके साथ साथ, ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने जो है चीज़ों को अंडरलाइन भी करना, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा, सो आपने थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्विकली जो है आपने चीजों को अंडरलाइन करने की, या फिर आपने राइट करना है अपने लिए, ठीक हो गया जी। अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लेरिफाई कर सकूं फर्दर। सर आफ्टर वन वीक टेस्ट होगा? नहीं, आफ्टर थ्री वीक्स हमने एक जो है मंथली टेस्ट रखा हुआ है, हर जो है आपके लेक्चर के अंदर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आप लोगों के होते रहेंगे। टेक्स्ट बुक की जहां तक बात है तो मैं बताऊं कि टेक्स्ट बुक इज द राइट ऑप्शन, इज द राइट बुक, ठीक है, या बेस्ट बुक हम कह सकते हैं। सो टेक्स्ट बुक से आप पढ़ेंगे, उससे उसका बेनिफिट क्या है, जितना आप टेक्स्ट बुक को थॉरली पढ़ेंगे उतनी ही अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है, और जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी टॉपिक को लेके, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो एंटी टेस्ट है उसमें टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन लिया जाता है, सो आप बासानी उसको जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑर्गेनिक पोर्शन, हम अब्बास बेसिक टॉपिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट करेंगे उसमें ऑर्गेनिक पोर्शन पहले लेके चलेंगे। सर लेक्चर तैयार करने का टेस्ट तरीका, बेस्ट तरीका बताएं। सो मैं आपको इरफान बता दिया कि लेक्चर को आपने बेहतरीन अगर तैयार करना है तो उसका सीक्वेंस यही है कि एक दफा टीचर से आप सुन लें उस टॉपिक के हवाले से, ठीक है, जब आपने वो सुन लिया फिर सेल्फ स्टडी में जाएं, पहले बुक रीड करें उसके हवाले से, जब आप बुक रीड करेंगे फर्दर और मजीद अच्छा हो जाएगा टॉपिक, फिर आप उसको राइट करें खुद से राइट करें उसको जो है नोटबुक पे, फिर उसके बाद उससे मुतलिक जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड की गई है वो सॉल्व करें, एमसीक्यूज को सॉल्व करें, उससे आप कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करना आपको आ जाएंगे। सर अगर फी पे ना हुई तो लेक्चर नहीं ले सकेंगे, बिल्कुल, ये ट्रायल पीरियड है, उसके बाद अब जैसे ही खत्म होगा तो जो पेड स्टूडेंट हैं सिर्फ वो ही क्लास ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। सेल्फ राइट मींस याद करके खुद से लिखना है, बिल्कुल सही कह रही है ना, ये बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया। सर को पढ़ाने दो प्लीज। हो सर क्या केमिस्ट्री की बुक में रिएक्शंस हैं ज्यादा? अफीफा मैं आपको बताऊं कि अभी से अगर आपने एक चीज को हावी कर लिया अपने सर पे सवार कर लिया तो ये चीज आपको जो है मुश्किल देगी, ठीक है, आपको याद करने मुश्किल होगी, इवन कि आपको अंडरस्टैंड करने के अंदर मुश्किल होगी। अगर आपने अभी से ही सोचना शुरू कर दिया कि ये चीज मुश्किल है तो ये वाकई आपको मुश्किल लगेगी, आपने चीजों को अपने सर पे हावी नहीं करना। अब बता दूं कि जितना आपको मजा
पार्ट वन की केमिस्ट्री पढ़कर नहीं आएगा जितना आपको मजा जो है ये पार्ट टू केमिस्ट्री पढ़कर आएगा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अराउंड आपका 65 मार्क्स का या इवन 65 मार्क्स का पेपर सिर्फ ऑर्गेनिक से आता है। बहुत थोड़ा पोर्शन आपका जो है इनऑर्गेनिक से आता है। सो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो बहुत आसान भी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ग्रैप कर लिया तो आपके लिए कोई भी मुश्किल वाली बात उसमें नहीं है। सर लेक्चर तैयार करने का मैसेज मैंने आपको बता दिया, असाइनमेंट कैसे भेजनी है। सो दिल्ला मैं आपको बताऊँ, जैसे जैसे हम आपको असाइनमेंट देंगे वैसे वैसे हर एक टीचर आपको गाइड भी करेगा कि कैसे आपने असाइनमेंट जो है सॉल्व करके हम तक पहुँचानी है। सो आप बेफिक्र रहें इस हवाले से, नहीं बगैर फी दिए आप सर जो ड्यूरिंग द लेक्चर जो टेस्ट होते हैं या आफ्टर द लेक्चर होते हैं वो नहीं दे पाएंगे। सर प्रोफाइल में एक और ऑप्शन ऐड होना चाहिए डिराइव वाला, इसके क्या फायदे हैं? अच्छा हुए हैं फरीद कह रहे हैं। सो फरीद उसमें क्या है कि अगर कोई टीचर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के नोट शेयर करना चाहता है, लॉन्ग क्वेश्चन के नोट शेयर करना चाहता है, या इवन के जो है वो आप लोगों से MCQs के नोट शेयर करना चाहता है तो आप लोगों से कर पाएगा। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जी चैप्टर नंबर 7 से हमने स्टार्ट करना है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सर आई थिंक दिस सेशन इज वे बेटर देन लास्ट वन इन माय ओपिनियन। हमजा आपको लगेगा भी, वाकई लगेगा, क्योंकि हम एक प्री प्लान जो ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर्म के अंदर एक प्लान है, ठीक है, उसके मुताबिक हम जो है चलेंगे। सर प्लीज स्टडी स्टार्ट करवा दें। बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से शेयर करें तो हम आगे चलते हैं। सर क्या अनपेड स्टूडेंट रिकॉर्ड लेक्चर सुन सकते हैं? तो लास्ट ईयर के सुन सकते हैं मारिया, जो इस वक्त के रिकॉर्ड लेक्चर्स होंगे वो आप नहीं सुन सकते। नोट्स भी बना दूंगा भाई, बिल्कुल दूंगा आप लोगों को। सर मैं फीस सबमिट करवाऊंगी लेकिन मेरी दो आईडीज हैं इधर, जो भी चाहूँ पेड नहीं। बिल्कुल आप उनमें से किसी एक को पेड में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ वही चलेगी, दूसरी नहीं चल पाएगी, ठीक है। हेल्पिंग बुक की जहाँ तक बात है, आपसे कहा था कि आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक को यूज़ करना है, वो आपकी बेस्ट बुक है, प्रोडिकल याद कर सकते हैं बिल्कुल। सहबा अगर आपके पास इतना कि क्रैमिंग पावर अगर है तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि याद करने का फायदा ऐसा नहीं है, आप भूल जाएंगी। सो इससे बेटर है कि आप जो है बाकी टॉपिक्स जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अपने टाइम उनको दे दीजिएगा। आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लम्स में एडमिशन लेने के लिए FSC में कितने मार्क्स होने चाहिए? सो मैं बताऊँ मरियम के लम्स में एक तो एडमिशन का क्राइटेरिया जो है उसमें मार्क्स तो रिक्वायर होते ही हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर टेस्ट होते हैं। सैट टेस्ट होता है, उनका अपना सब्जेक्ट टेस्ट होता है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ आप जब टेस्ट देते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं, सो उसमें आप लोगों को एक जो है हम कहते हैं समहाउ ऐसे राइट करना होता है, वो भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। उसकी वजह से हम कहते हैं सर कोर्स ब्रेकअप बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इंशाल्लाह जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे। कश्मीर आज़ाद कश्मीर, कश्मीर बोर्ड के पेपर्स अपलोड करें, खालिद कह रहे हैं जरूर करेंगे भाई, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है यहाँ से आगे लेके चलेंगे आप लोगों को, ठीक है भाई। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमने स्टार्ट करना है भाई फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम कह सकते हैं, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्यों वहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसकी रीजन है, रीजन मैं आपको पहले बता दी कि आपका जो पेपर है, ठीक है, उसमें अराउंड जो 85 मार्क्स का पेपर बनता है आपका, उसमें 60-65 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक से आ रहा है। इसीलिए हम पहले ऑर्गेनिक करेंगे और फिर जाएंगे टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक। मैंने आपको बता दिया था उर्दू इस्लामियत पाक स्टडी की जहां तक बात है, सो वो आपने क्या करना है, वो कब स्टार्ट होगी? वो स्टार्ट होगी आप मेरी अगस्त की मिड तक जो है वो जरूर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। सर शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट होगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों का होगा, जरूर आप लोगों के टेस्ट दिए जाएंगे। एक्सरसाइज को कैसे करेंगे सैयद? मैं ये आपको बताऊं कि मैं आप लोगों को लेक्चर के दौरान यानी कि जो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें टॉपिक वाइज जो है कोशिश करूंगा कि इतना इनेबल कर दूं कि आप लोग एक्सरसाइज ही क्वेश्चन को खुद से कर सकें, और बाकी इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सर मैंने कभी पीरियोडिक टेबल याद नहीं किया, ओ लेवल्स में कभी नहीं किया था, अब करूं मैं? नहीं करने की जरूरत नहीं, फिलहाल आपको करने की ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। स्टार्ट कर लेते हैं, आपके क्वेश्चंस बड़े आते रहेंगे। डिफरेंस बिटवीन फेडरल टेक्स्ट बुक एंड पंजाब टेक्स्ट बुक, तो वो डिफरेंस है लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समहाउ है डिफरेंस, ठीक है, लेकिन इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इससे हम बाकायदा आगाज करते हैं अपने जो है बुक का, पार्ट टू केमिस्ट्री की जो बुक है उसका आगाज करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर आपको क्या कुछ प्रोवाइड करेगा। पहले तो हमें ये बताना चाहिए ना कि इसमें से कितने शॉर्ट, कितने एमसीक्यू, कितने लॉन्ग आएंगे। सबसे पहले तो हमें ये अंदाजा जरूर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। सो इसमें से कितने शॉर्ट आते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं, 1 एमसीक्यू आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से इसमें से आपने जो है जो शॉर्ट आपको प्रोवाइड की जाएंगे ऑलमोस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इस तरीके से 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया, यानी हम कहते हैं कि 1 एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम कहते हैं कि इस चैप्टर में से आएगा। सर चैप्टर नंबर 6 क्यों नहीं किया मरियम? मैं आपको बताऊं कि जो चैप्टर नंबर 1-6 है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक पोर्शन है, और चैप्टर नंबर 7-14 जो है ये ऑर्गेनिक पोर्शन है। एक चैप्टर जो चैप्टर 15 का है, ठीक है, वो बेसिक तौर पर हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल, ठीक है, केमिस्ट्री, और लास्ट वन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। ठीक है, सो हमने जो स्कीम फॉलो करनी है, जो हम पैटर्न लेके चलेंगे, पहले हम ऑर्गेनिक को पूरा करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम कहते हैं कि 265 जो मार्क्स हैं आपके 85 में से, वो सिर्फ और सिर्फ इस जो है पोर्शन में से आते हैं। सो चूंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इंतहा की इंपॉर्टेंस है मार्क्स वाइज, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि भी पहले हम ये वाला करेंगे पोर्शन, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स द इनऑर्गेनिक और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल और जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसको हम करेंगे। बल्कि इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम ऑर्गेनिक के साथ ही कर लेंगे, वरना तो सारा ही होता है। फिर स्कीम का क्या मकसद, वो इसलिए है कि मरियम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले अर्ली इसलिए करते हैं ताकि एक तो ये कि आसान पोर्शन है, क्योंकि इनऑर्गेनिक पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना, समझना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो पहले हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत आसान भी है। सो आप लोग एक दफा फ्लो में आ जाएंगे ना, ठीक है, सीक्वेंस बन जाएगा, तो हम फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक तरफ मूव करेंगे। सो एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग हमारे पास आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल का मतलब क्या होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको लर्न करेंगे, मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा और फिर बाकायदा हम कल से ही इसका आगाज करेंगे। ठीक है, सो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम कल डिफाइन भी करेंगे, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनको स्टडी करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, इनके बारे से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ठीक हो गया, सो फंडामेंटल्स मतलब हुआ कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्ड नहीं हुई थी, इतना इसका कॉन्सेप्ट, इतना इसके अंदर जो डेप्थ है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, हम कहते हैं कि उस वक्त जो है हम ये बात कहते हैं कि उसकी बात हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी अर्ली स्टेजेस जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं हम उसकी बात करेंगे और उससे मुतालिक हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से क्या कहा जाता था, और जब कैसे कैसे जो है उसमें डेवलपमेंट हुई है, कैसे कैसे डिफरेंट फेजेस के अंदर जो है इसमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट आई है, वो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आप लोग इस वक्त बहुत थक भी चुके हैं, आप लोग बात भी आपस में बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है आपकी स्ट्रेंथ भी अब कम होना शुरू हो चुकी है। सो मेरे ख्याल से अब हम आप लोगों को ब्रेक ही दे दें, कल आपसे जो है मुलाकात होगी, कल हम प्रॉपर लेक्चर जो है आप लोगों का डिलीवर करेंगे, पहला लेक्चर जो होगा आप लोगों का फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप लोग, ठीक है, और देखें ये इस तरह से आपने कन्वर्सेशन नहीं करनी तो आप लोगों को जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो आप लोगों को ब्लॉक कर देंगे।